थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा वहाँ का, साउथ कोरिया का पूरा टूर कैसा रहा तुम्हारा, और कितना सपोर्ट मिला, और यहाँ से DMSF से कितना सपोर्ट मिला, झारखंड सरकार से क्या सपोर्ट मिला, भारत सरकार से क्या सपोर्ट मिला, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा संक्षेप में बताओ। सफ़र तो थोड़ा मुश्किल ही था, बाहर जाके वर्ल्ड कप लेवल पे खेलना, बड़ी बड़ी टीमों से खेलना, जैसे फ्रांस के टीम से, बुल्गेरिया से, जापान से, इतनी भी बड़ी बड़ी टीमें थी, सभी से कम्पीट करना इतना आसान तो नहीं था। बट इकबाल सर मेरे बचपन से जो कोच है, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ सिखाया है कि हार नहीं मानना, तो इसी को देखते देखते हम ये हुए हैं कि कभी हार नहीं माने। टूर्नामेंट कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, कुछ मैच हम लोग जीतते थे, कुछ मैच हारते थे, लेकिन फिर भी हम लोग लीग टॉप किए और ये टूर्नामेंट को हम लोग जीते। इसमें एकजुट ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, संस्था ने भी बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने में, DMSF ने पूरा मेरे को सपोर्ट किया है, बहुत कोई लोग हैं जो इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ पाए हैं। सबसे और दूसरी बात यह है कि बहुत मुबारक हो तुमको कि भारत का नाम रोशन किए हो, साथ में हमारे छतरपुर का नाम रोशन किए हो, झारखंड का नाम रोशन किए हो, और बाकी जो प्लेयर्स थे, एक प्लेयर्स तो तुम्हारे और छतरपुर के साथ में थे जो जिनका घर दूर है, उसके वजह से वो चले गए हैं, उनका दूसरा दिन हम लोग उनसे बात करेंगे। अब ये बताओ कि आगे जो है, आगे का क्या है, आगे का क्या प्लान है, आगे क्या खेलना है, या फिर आगे जो वर्ल्ड कप है उसके लिए क्या तैयारी है? आगे के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारा गेम है, उसके लिए भी ध्यान रख रहे हैं वो लोगों। अभी हम बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, कोचेस लोगों भी हमको इतना बोलने नहीं बोले हैं, तो इसलिए अभी तो इतना नहीं बता पाएंगे, बट आगे जाके कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। आप हमारे साथ लगातार साउथ कोरिया में भी थे तो कॉन्टैक्ट में थे, हमारी आपसे बात भी हो रही थी, तो वहाँ पे और वहाँ का जो स्किल होता है वहाँ के प्लेयर्स का और यहाँ पे कितना कुछ अलग होता है, फिर भी आप लोग जीत के आए। मुझे लगता है कि 2 मैच सिर्फ हारे हो ना, और बाकी सभी मैच जो है आप लोग जीते हो, तो उन लोगों के जो प्लेयर्स हैं उनका स्किल्स और हमारे जो यहाँ झारखंड के या फिर इंडिया के प्लेयर हैं उन लोगों में क्या डिफरेंस देखने को मिला? उन लोगों का हम लोग से बॉडी फिजिक में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है, तरह तरह के उनके पास गैजेट्स है, कितना हार्ट का पल्स रेट सब कुछ उन लोगों को पता चलता है, उन लोगों का स्टेमिना, उन लोगों का कोच फिजियो बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी, खाना पीना से लेके सब कुछ अच्छा है, फिजिकल वाइज भी उन लोगों के कोचेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो ये किस भी तो एडवांस है, कुल मिला वो के बात है। बहुत एडवांस है उन लोगों का भी, बट हम लोग का इंडिया भी कुछ कम नहीं है, हम लोग का इंडिया भी इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट लाया है इस बार, अब तक का इतना साल हो गया इस वर्ल्ड कप को होते हुए थे, लेकिन इस बार इंडिया बहुत अच्छा, हाँ पहली बार इंडिया जीती है, बहुत ही अच्छा टक्कर हो रहा था, कभी जो मैच हम लोग प्रैक्टिस मैच से US से हारे थे, लेकिन वही टीम को हम लोग दुगना गोल मार के हम लोगों चैंपियंस लीग में, मतलब लीग में हम लोग उसको भी हराए। चलो बहुत अच्छा, और कांग्रेचुलेशंस अगेन।